नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देख रहे हैं। निफ्टी अभी हमारा है 14,942। तो दोस्तों 15,000 के आसपास है, तो 15,000 पे ये एक रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर 15,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक बड़ी रैली वहां से आपको देखने मिल सकता है। तो निफ्टी जो अपने ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ रहा है 15,600 की तरफ, और देख सकते हैं आज भी ये 0.8% से अप है, 119 पॉइंट अप है। तो निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। चार्ट पे भी देखेंगे आप वन मंथ में, तो पहले निफ्टी जो यहाँ पर वीक हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी मेटल सेक्टर का है। मेटल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, और मेटल का जो कॉस्ट है आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे काफ़ी बढ़ चुका है। उस यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट जो शेयर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा है ट्रीडेंट, जो ट्राइडेंट है इसमें आज देख सकते हैं गजब की तेजी है, 9% की तेजी है। ये स्टॉक मैंने आपको 3 रुपीज़ पे था उस समय से रिकमेंड किया था, काफ़ी बेहतरीन एक छोटे प्राइस का स्टॉक है। तो आप इस स्टॉक पे गिरावट का वेट कीजिए, क्योंकि अभी जो स्टॉक है उस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब आज तेजी देखने मिला है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शेयर जो है डिलीवरी में लिया गया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शेयर ट्रेड भी हुआ है। तो देखते हैं ये स्टॉक एक बड़ा मूव देता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर मूव देता है। तो यहाँ देखिए ये पहले भी मूव दिया था, और लगभग यहाँ पर देखते हैं शेयर प्राइस इसका काफ़ी अच्छा खासा ऊपर आ चुका था 10 रुपीज़ के, और 10 रुपीज़ ये करेक्शन किया, और 10 रुपीज़ देखते हैं 3 रुपीज़ 85 पैसा। तो यही गिरावट था जहाँ से मैंने आपको रिकमेंड किया था, और वहाँ से ये 1 पे ऊपर जा रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी मतलब छोटे प्राइस में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और भी कई सारे आपको छोटे प्राइस में जैसे IDFC लिमिटेड बताया था, छोटे प्राइस के ये सारे स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। तो आप इसमें थोड़ा वेट कीजिए, फिर जाकर के आप इसमें इंतज़ार करते हैं तो आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। और यहां पर देखिए आज अपर सर्किट लग चुका है। अगला है हमारा यस बैंक है। यस बैंक भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। ये स्टॉक आज 1.50% डाउन है, और इसका करेंट प्राइस है 13 रुपीज़ 15 पैसा। और इस स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका जो व्यू होना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, क्योंकि बैंक का जो पूरा का पूरा बैलेंस शीट है वो गड़बड़ हो चुका है। बैंक में जो फ्रॉड हुआ था उससे धीरे धीरे कंपनी रिकवर करती है, जब तक अच्छे रिजल्ट लगातार 2-3 क्वार्टर पेश नहीं करती है तब तक आपको इसमें मोमेंटम देखने नहीं मिलेगा। और जब तक ये स्टॉक जो है 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता है तब तक फिर आपको तेजी इसमें देखने नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर यह स्टॉक एक बार 20 रुपीज़ गया था, वो 21 रुपीज़, वहाँ से फिर से ये करेक्ट होते गया धीरे धीरे। तो अगर 21 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपको इसमें एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो इसमें आपको उतना ही रुपये इन्वेस्ट करना है जितना कि आप लॉस ले सकते हैं, जितना रुपया से आप मतलब आपका जो रुपया है वो पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाता है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, तो आप इसमें उतना ही क्वांटिटी लें, उतना ही रुपया इन्वेस्ट करें। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना इन्वेस्ट, जैसे हमने इसमें 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, 100 क्वांटिटीज़ का लिया है, तो इस तरह आप छोटे अमाउंट ले सकते हैं। जैसे कि इस पे मैंने मात्र 100 क्वांटिटी लिया है तो 1,300 रुपीज़ मैंने इन्वेस्ट किया है। तो इसी तरह आप इससे पहले मैंने 500 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किया था, जबकि ये हाई पर गया तो मैंने यहाँ पर इसको बेच दिया था, तो फिर से यहाँ पर मैंने आज बाय किया है। तो आप चाहे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका खुद अपना डिसीजन होगा, क्योंकि ये स्टॉक कब रिटर्न देगा, आपको कब परफॉर्म करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद अगला स्टॉक है जेंट हेल्थ केयर। दोस्तों जो पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक में सबसे बेहतरीन स्टॉक में से एक है ये हमारा जेनिथ हेल्थ केयर। देखिए जेनिथ हेल्थ केयर 2002 से यहाँ से ऑल टाइम जो हाई बनाया था वहाँ तक का रिटर्न देखें तो 11,000% के आसपास है। देखिए 11,500। तो पैनी स्टॉक में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, कंपनी धीरे धीरे अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है, और लेकिन दिक्कत यह है कि यह स्टॉक अपर सर्किट के साथ ऊपर जाता है फिर लोअर सर्किट के साथ डाउन आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यह स्टॉक सर्किट के साथ ऊपर और सर्किट के साथ नीचे आता जाता है। उसके बाद अगला है हमारा IRFC। तो IRFC ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। इसका करेंट प्राइस है 22 रुपया 60 पैसा, और ये स्टॉक 7% से आज अप है, तो 1 रुपीज़ 50 पैसा ये अप है। तो ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए ये स्टॉक काफ़ी मतलब यहाँ से मोमेंटम किया है, यहाँ से देख लीजिए ऊपर काफ़ी मोमेंटम तेजी के साथ किया है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन, आज इसमें भी काफ़ी गजब की तेजी देखने मिला है।
तो ये स्टॉक जो है आपको पीएसयू स्टॉक है, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म में कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक जो है अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, साथ ही साथ अच्छा खासा डिविडेंड आपको यहाँ से मिल सकता है। देखिए यहाँ पर डिविडेंड यील्ड इसका 9% का है, तो यहाँ से अच्छा खासा आप डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं, साथ साथ लॉन्ग टर्म में आप इसमें थोड़ा बहुत ग्रोथ भी देखने मिल सकता है। देखिए ये स्टॉक यहाँ से 25 रुपीज़ से लगातार ये गिरता गया, यहाँ देखिए 21 रुपीज़ 30 पैसा पे स्टॉक लगातार मिल रहा था 21 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से आज तेज़ी देखने मिला है। तो इस पर आपको अच्छा खासा डिविडेंड आने वाले समय में, ये कंपनी का रिजल्ट आने वाला है तो वहाँ से आपको देखने मिल सकता है, इसलिए हो सकता है इस स्टॉक में तेज़ी देखने आज मिला हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ये भी स्टॉक और जो रूट मोबाइल है, ये जो नई स्टॉक है एंजल ब्रोकिंग उसमें भी काफ़ी गजब की तेज़ी देखने मिली है। एंजल ब्रोकिंग के स्टॉक का भी आपको हम आगे बताएंगे कि काफ़ी गजब की तेज़ी एंजल ब्रोकिंग स्टॉक में, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में भी देखने मिला था, रूट मोबाइल में भी पीछे देखने मिला था। और इसका भी चार्ट देखिए, चार्ट लगातार देखिए अप ट्रेंड में है, तो काफ़ी सॉलिड चार्ट है पिछले 6 मंथ का, तो आप इसमें गिरावट आता है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे स्टॉक जो है अभी मार्केट में नया है, तो कभी इसमें करेक्शन आता तो एक बड़ा करेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है नया है तो किस तरह से कंपनी का बिजनेस होता है, किस तरह कंपनी का बिजनेस परफॉर्म हुआ था, उस तरह से इस स्टॉक में मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। अगला है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक, ये भी काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, इसका अभी करेंट प्राइस देखिए 55 रुपीज़ के आसपास है। ये स्टॉक मैंने आपको लगभग 25 रुपीज़ पे था उसी समय से बताया था, ये भी स्टॉक काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर देखते हैं ये स्टॉक लगातार रैली किया और यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है लगभग 70 रुपीज़ जाने के बाद, तो 70 रुपीज़ से लगातार कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये स्टॉक में चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक देखिए 18 रुपीज़ 20 रुपीज़ पे मिल रहा था, तो वहाँ से मैंने लगातार इस स्टॉक बताया था कि ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, आने वाले समय में आपको अच्छा खासा ये रिटर्न दे सकता है। अगला हमारा एंजल ब्रोकिंग, जैसा कि आपको हमने कहा ये स्टॉक में गजब की तेज़ी है, 10% से ये स्टॉक देख सकते हैं आज अप है। अगर हम पिछले 6 मंथ का स्टॉक अधिक 1 मंथ का चार्ट देखें तो देखिए 1 मंथ में गजब का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 100% का रिटर्न। तो दोस्तों ये स्टॉक भी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी सारे इसमें भी न्यूज आए थे तो इसके कारण इस स्टॉक में भी काफ़ी गजब की तेज़ी देखने मिला है। जबकि इसका IPO जब लिस्ट हुआ था, IPO जो इसका इश्यू प्राइस था उससे भी नीचे कंपनी का शेयर का प्राइस आया था, तो वहाँ से अगर आप लेते तो यहाँ से आपको अच्छा खासा अभी तक में रिटर्न प्राप्त, देख लीजिए 161%। तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा अभी तक मूवमेंट देखने मिला है, लेकिन आगे कंपनी के परफॉर्मेंस कहता कैसे किस तरह से कंपनी रिजल्ट फेस करती उस पर निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इन सारे स्टॉक में आपको क्या करना है, किस तरह से डिसीजन लेना है, इसके लिए लगातार वीडियो देखते रहिएगा। लेवल्स और टारगेट भी हम आने वाले समय में इन सारे स्टॉक्स के बारे में बताते रहेंगे।